इसमें अच्छे से हम मोल्डेड को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसके पेटल्स बनानी है। हमने कटोरी को लिया है, कटोरी में पाउडर अच्छे से डाल दिए हैं ताकि हमारा मोल्डेड इसमें चिपके नहीं, स्टिक नहीं होगा अगर पाउडर डाल देंगे। अगर हम पाउडर नहीं डालेंगे तो ये मोल्डेड इसमें स्टिक हो जाएगा, तो इसलिए पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो पेटल्स बनाएं वो आराम से ड्राई होके ईजिली जो है निकल जाए, कटोरी से हमारे इस छोटे से बाउल से आराम से निकल पाए। तो सारी पेटल्स के लिए हमें इक्वली कट करना है एक साइज़ में ही इस तरीके से। और ये हम लोटस फ्लावर बता रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इक्वल साइज़ में हमें कट कर लेना है, ठीक है। और इक्वल साइज़ में कर लेने के बाद हमें इसको अच्छे से सर्कल बना के, बॉल बना करके हमको इसको ड्रॉप शेप में ही देना है, इसको ड्रॉप शेप बनाना है इसका हमें। इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करके ड्रॉप शेप ले लेंगे। इस तरीके के ड्रॉप शेप लिया, देन हमें अपनी फिंगर से इसको प्रेस करना है अच्छे से इस तरीके से। तो इसमें ये हल्का सा जो है डेप्थ आ जाएगी और हम हल्का सा पिंच से इसको दबा देंगे तो हमारा ये पेटल रेडी हो जाएगी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें कोई भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, केवल फिंगर से ही हम लोटस फ्लावर को बना सकते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से अच्छा शेप दे करके हमें पेटल्स बनानी है। ट्राई टू क्रिएट अ गुड शेप फॉर लोटस पेटल। और इसी तरीके से हमें सारी पेटल्स बनानी है और इसी तरीके से हमें, और हम चाहें तो कटोरी के अंदर भी रख सकते हैं और कटोरी के बाहर भी रख सकते हैं, पर पाउडर अच्छे से लगाना है। ये पाउडर जैसे ये अच्छे से कटोरी के ऊपर भी लगा देंगे तो हमारा ये मोल्डेड का चिपकेगा नहीं है, चाहे ऊपर लगाएं चाहे अंदर, आपका शेप प्रॉपर आएगा। इस तरीके से हमें सेंटर से लेकर के इसको आधी दूर तक ऐसे रखना है और इसी तरीके से हमें सारी पेटल्स बना लेनी है। सारी पेटल्स इस तरीके से जब बन जाएंगी तो लास्ट में हमें छोटा सा हमें सर्किल लेना है और इन सारी पेटल्स के सेंटर में स्टिक करना है। तो फेविकोल की मदद से हम इसको अच्छे से स्टिक करते हैं। और इसलिए भी है ताकि हमारी ये जो जितनी भी पेटल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो जाएं और अलग ना हो, ठीक है।
और अच्छे से हमें पाउडर से करके इसको मर्ज कर देना है और इसमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी। पाउडर से जैसे ही हम इसको रब करते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और शाइनिंग भी आ जाएगी। इस तरीके से हमारा देखिए खूबसूरत ये लोटस फ्लावर रेडी है। और हम इसमें छोटे से लिटिल गणेशा भी इसमें रखेंगे, जिसका ट्यूटोरियल मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पे ही आप देख सकते हैं इसको कि हमें गणेशा कैसे बनाना है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें। थैंक यू।